हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एमपीएल पर 1-0 पूर्वी एंड। गाइस, ये गेम प्ले हमेशा की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, सो गेम प्ले मस्ट एंड तक वॉच करना, हो सके तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके गाइस, बात करते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में ओनली प्योर सिक्वेंस है, सो हम बेसिकली यहाँ पर ड्रॉ भी करेंगे। वैसे अगर सिंगल जोकर होता तो भाई प्ले कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो भाई एक भी जोकर नहीं है, सो ड्रॉप करेंगे। ओके हम कर देते हैं ड्रॉप एंड देखते हैं गाइस कौन कौन बंदा प्ले कर रहा है। राइट पैर प्ले कर रहा है एंड देखते हैं लेफ्ट पैर प्ले करता है या फिर ड्रॉप। भाई टाइम तो काफ़ी लगा रहा है। ओके, इस बंदे ने ड्रॉप कर दिया एंड गाइस सेकंड लेफ्ट पैर तो बंदे ने भाई ओपन ऐसे कट पे किया, ये भी प्ले कर रहा है। अब डीलर देखते हैं प्ले करता है या फिर नहीं, आई थिंक ड्रॉप ही करेगा मुझे लग रहा है। ओके, ये बंदा भी गाइस ड्रॉप कर देता है। कोई नहीं गाइस, हम इसी के साथ करते हैं बैट स्किप, देखते हैं इन दोनों बंदों में से कौन बंदा रिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइस जो सेकंड लेफ्ट पेयर होता है ये बंदा रिक्लेयर कर देता है एंड गाइस जो राइट पेयर होता है ना ये बंदा जो है ओनली प्योर सिक्वेंस रेस खेल रहा था भाई। और इस बंदे की फर्स्ट एंड सेकेंड लाइफ रेंज हो पाती है, लेकिन इस बंदे के पास हाई कार्ड काफ़ी सारे थे जिस वजह से इस बंदे के 53 पॉइंट लग जाते हैं। खैर, इस बंदे का बैड लक ही था, ऐसे ऐसे कार्डों से कौन रिस्क लेता है भाई। ओके सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास ओनली सिंगल जोकर है, लेकिन इनवैलिड कार्ड भी काफ़ी सारे हैं, बट कोई नहीं प्ले तो हम करने वाले हैं ही, चाहे जो मर्जी हो जाए, बट ट्राई तो यही करेंगे कि हमारी जो है पॉइंट डाउन हो पाए अगर हम डिक्लेयर नहीं कर पाए तो। ओके बने 10 निकाला, कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं एंड गाइस हमारे पास जे आ चुका है, सो अब हम निकाल देते हैं क्लब में किंग को। वैसे गाइस बंदा कार्ड पिक कर सकता है क्योंकि हमारे पास इनवैलिड है ना, लेकिन भाई ये बंदा तो जो है ड्रॉप ही कर देता है। चलो बढ़िया, हमारे लिए तो इस बंदे ने ड्रॉप कर दिया। अब देखते हैं ये बंदा प्ले करता है या फिर ड्रॉप। ओके भाई ये बंदा भी ड्रॉप कर देता है। अब भाई जो डीलर होता है ये बंदा प्ले करने लग जाता है। कोई नहीं गाइस, अब 2v1 है, सो शायद हो सकता है कि हम कम से कम पॉइंट दो डाउन कर पाए। ओके बंदे ने निकाला, कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं एंड गाइस हमारे पास 9 आ चुका है, सो मैं डायमंड में इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। एंड गाइज अगर बंदे ने 8 निकाला तो शायद हो जाता कि इस बंदे के पास 10 हुआ तो बंदा 10 निकाल सकता है, सो मैंने 9 को इस वजह से होल्ड रखा है। लेकिन भाई ये बंदा तो अगेन 8 निकालता है, कोई नहीं, हम भी क्लोडेस ही कार्ड पे करते हैं। एंड गाइज हमारे पास एस आ चुका है, सो अब हम निकाल देते हैं स्पिर्स में जे को निकाल देते हैं। वैसे भी हमारे लिए इनवैलिड है तो क्या ही कर सकते हैं। ओके चलो बढ़िया, बंदे ने पिक नहीं किया, लेकिन गाइस हमारे लिए दिक्कत ये है कि अभी भी हमारे जो है ना वैलिड कार्ड नहीं रेंज हो रहे भाई, क्या ही कर सकते हैं। अब ये जो राइट पे ना ये बना कुछ ज़्यादा ही प्रो प्लेयर है, हमको भाई फॉलो करता ही नहीं है भाई। अब जाके बंदे ने फॉलो किया, कोई नहीं, अभी क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं एंड गाइस हमारे पास 8 आ चुका है, सो मैं एस को डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि बंदे ने जे पिक नहीं किया तो आई थिंक एस पिक नहीं करेगा। लेकिन भाई ये बंदा जो है एस को पिक करता है और इसी के साथ फर्स्ट लाइव रेंज कर लेता है, क्योंकि इस बंदे को जो है ना एस ही चाहिए था। एस 2-3 के साथ ये बंदा वो सीक्वेंस रेंज कर लेता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है भाई। अगर हम गाइस एस नहीं ना निकालते तो शायद ये बंदा डेड एलिमेंट भी हो सकता था। खैर अब गाइस क्या ही कर सकते हैं, हमें ऐसा पता थोड़ी ना थी बंदे को एस ही चाहिए था। कोई नहीं, बैड लक हमारा। ओके सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड इस पर गाइस हमारे पास ओनली सिंगल जोकर है, सो हम ड्रॉप ही करेंगे। ओके वैसे बिफोर सिक्वेंस जब बोल सकते हो या फिर सिंगल जोकर है, अगर हमारे पास क्लब 2 आता ना तो शायद मैं प्ले कर सकता था। देखो गाइस इस बंदे के पास जोकर तो काफ़ी सारे थे, लेकिन भाई प्योर सिक्वेंस नहीं थी इस बंदे की। खैर अब गाइस क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं गाइस हम देखते हैं कौन कौन बंदा प्ले करता है इस बार। ओके एक 2 प्लेयर ने तो भाई ड्रॉप ही कर दिया, अब राइट प्लेयर ड्रॉप कर देता है, सो मैं इस चक्कर में रिस्क लेने लग जाता हूँ क्योंकि हमारे पास वैलिड एंड हाई कार्ड थे और 1v1 था, तो शायद मैं सोच रहा था कि हम जो है पॉइंट तो डाउन कर ही लेंगे। ओके बंदे ने 10 निकाला, चलो इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जे को डिस्कार्ड कर दूँ। कोई नहीं, मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, जे को मैंने इस वजह से होल्ड रखा है, अगर हमारे पास जे आ गया ना फ्यूचर में
तो हम एक साइड अरेंज कर लेंगे। ओके बंदे सेवन कलर, चलो सेवन ही पिक कर लेते हैं। एंड अब हम निकाल देते हैं स्पेस में नाइन को, जे को गाइस अभी मैंने प्रॉपरली होल्ड रखा है, अगर फ्यूचर में जे आकर तो हम सेट नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन भाई ये बंदा अगेन सेवन निकालता है। ओके और इसी के साथ गाइस हमारा फोर्थ कार्ड का सेट रेंज हो चुका है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जे को डिस्कार्ड कर दूँ, तो डिस्कार्ड कर देते हैं। चलो बढ़िया, बंदे ने पिक नहीं किया। सो फाइनली गाइस डिक्लेयर करने के लिए ओनली सिंगल कार्ड चाहिए, लेकिन भाई बंदा भी काफ़ी खतरनाक प्ले कर रहा है। हमने जे निकाला और बंदे ने देखो नाइन निकाला है। कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस देखो अगेन इन्होंने लट कार्ड, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। भाई बंदा एस के अकॉर्डिंग अगर स्पिस में एस डिस्कार्ड कर देना तो हम भाई डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन भाई ये तो बंदा तो कवीन निकाल रहा है। सो अगेन क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं गाइस। एंड हमारे पास नाइन आया, कोई नहीं नाइन को रख लेते हैं गाइस। एंड अब हम निकाल देते हैं क्लब में फाइव को, क्योंकि सिक्स जोकर है तो आई थिंक बंदा फाइव पिक नहीं करेगा। ओके और ऐसे होता है ये बंदा पिक नहीं करता, बस ओनली बंदा सिंगल कार्ड निकाल दे। फाइव के अकॉर्डिंग डायमंड में थ्री निकाल दे तो भाई हम डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके भाई बंदे ने क्वीन निकाला, मैं सोचा था कि मैं क्वीन को पिक कर लूँ, लेकिन मैं ये भी सोचा था कि हमारे ऑलरेडी पॉइंट डाउन हो चुके हैं, सो हम क्लोड ऐसे कार्ड पिक करेंगे। एंड कहीं हमारे पास नाइन आता है भाई इनवैलिड, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि इस बंदे ने डायमंड नाइन निकाला था ना पहले। ओके भाई बंदे ने अपनी सीक्वेंस ही ब्रेक कर दी सीरियसली, क्वीन और किंग निकाल के। कोई नहीं, हम भी क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। एंड फाइनली गाइस हमारे पास फोर आ चुका है, सो थ्री के साथ करते हैं डिक्लेयर। एंड गाइस इसी के साथ फिनिश, और ये बंदा देखो ओनली 12 पॉइंट से लॉस हुआ है। चलो बढ़िया, हमने डिक्लेयर तो किया ना ओनली सिंगल जोकर से, तो आप इस चीज़ के लिए गाइस एक लाइक कर सकते हो। ओके सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस हमारे पास अगेन ओनली प्योर सिक्वेंस बोल सकते हो या फिर सिंगल जोकर है। सो इस बार तो हम भाई 100% ड्रॉप ही करेंगे। वैसे गाइस इस बंदे को डिक्लेयर करने के लिए ओनली टू वैलेट का चाहिए थे, खैर चलो बढ़िया हमने डिक्लेयर किया तो। ओके बंदे ने भाई सिक्स निकाला, कोई नहीं गाइस हम कर देते हैं ड्रॉप। एंड देखते हैं डीलर प्ले करता है या फिर नहीं। ओके ये बंदा भाई ड्रॉप कर देता है। सो गाइस हम इसी के साथ करते हैं बैट स्किप, देखते हैं कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइस जो सेकंड राइट पर होता है ये बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस जो 90 पॉइंट वाला बंदा होता है ये बंदा जो है डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है 1010 पॉइंट से। ओके और जो सेकंड लेफ्ट पर होता है भाई ये बंदा तो ओनली 2 पॉइंट से लॉस हुआ है। चलो बढ़िया, एक बंदा एलिमिनेट तो हुआ। वैसे जो 60 पॉइंट वाला बंदा है ना इस बंदे के सबसे डाउन पॉइंट है। एंड गाइस देखो ये बंदा जो है रीजन हो जाता है, भाई कौन से सस्ते नशे करके आया, अभी देख सकता है कि फोर प्लेयर एक्टिव हैं तो ये बंदा क्या ही विन कर लेगा भाई। खैर कोई नहीं गाइस, अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार गाइस हमें अगेन ड्रॉप ही करना पड़ेगा। सो इस बार तो प्ले करने का कोई बेनिफिट है नहीं, एक भी भाई जोकर नहीं है। एंड गाइस देखो ये बंदा जो है प्ले कर रहा है 75 पॉइंट बंदा, कोई नहीं गाइस हम ड्रॉप कर देते हैं। एंड देखते हैं इन बंदों के कार्ड, और इस बंदे के पास भाई काफ़ी ओपी कार्ड थे, इस बंदे के 2 पॉइंट लगे हैं। एंड गाइस देखो इस बंदे के पास भी 2 जोकर थे, काफ़ी वैलिड कार्ड थे। एंड गाइस देखो ये बंदा ओनली सेकेंड टर्म में डिक्लेयर कर देता सीरियसली। एंड गाइस जो बंदा रीजन होता है ना ये बंदा अगेन एलिमिनेट हो जाता है, भाई साहब इस बंदे के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो गया। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, इसको किसने बोला था कि भाई रीजन हो, अब इस बंदे का बैड लक था। ओके सो अगेन गाइस कार्ड डिसीव्ड हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस ओनली सिंगल जोकर है, तो इस बार तो मुझे गाइस नहीं लग रहा कि हम जो इस बैट को सर्वाइव कर पाएंगे। अगर गाइस हम इस बैट को सर्वाइव कर पाए ना तो मेक श्योर एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके सो देखते हो जाओ गाइज। ओके बंदे किंग निकाला, कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइज हमारे पास जे आ चुका है, सो हम भी सिक्स निकालें या फिर किंग को निकालें। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिक्स को निकाल दूँ क्योंकि डबल है, वैसे किंग का सेट भी रेंज हो सकता है और जे का भी सेट रेंज हो सकता है।
चलो किंग को डिस्कार्ड कर देते हैं साइड से पहले, आपको पता है हम सीक्वेंस को इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन भाई 80 पॉइंट वाला बंदा इस बार तो प्ले कर रहा है, मैं सोचा था कि ये बंदा ड्रॉप करेगा। एंड गाइस देखो 75 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है सीरियसली। और देखो क्वीन किस बंदे निकला जो कि हमको चाहिए था। खैर बैड लक। ओके एंड गाइस हमारे पास 6 आ चुका है, सो अब हम किंग को ही निकाल देते हैं क्योंकि क्वीन तो निकल चुका है ना। ओके मुझे तो गाइस नहीं लग रहा कि हमारी जो प्योर सिक्वेंस रेंज हो पाएगी भाई, 4 प्लेयर एक्टिव हैं। अगर 1v1 होता ना तो शायद हम पॉइंट्स डाउन करके शायद डिक्लेयर कर पाते। कोई नहीं, ट्राई तो करेंगे अब कि हम भी डिक्लेयर कर पाएँ। एंड गाइस हमारे 98 पॉइंट हो चुके हैं। ओके बंदे ने 6 निकाला, चलो इसी के साथ हमारा सेट रेंज हो चुका है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जे को निकाल दूँ या फिर एस को निकालें। चलो जे को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमने किंग निकाला था, बंदे ने पिक नहीं किया था, तो आई थिंक जे भी पिक नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है गाइस, जे बंदा पिक नहीं करता। गाइस हमें डिक्लेयर करने के लिए ना 3 वैलिड कार्ड चाहिए, अगर आ जाते हैं ना भाई तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके भाई बंदे ने किंग निकाल दिया और क्वीन भी निकल चुका है, सो हम जे निकाल सकते हैं। वैसे जो लेफ्ट पर ऐसे बंदे ने भाई जे निकाला था, तो हम इससे नेक्स्ट वाले टर्न में हम जे ही निकालेंगे। भाई जो राइट पर ये कुछ ज़्यादा ही नहीं टाइम लगा रहा। ओके भाई बंदे ने 4 निकाला है, कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस हमारे पास क्वीन आ चुका है, तो अब हम निकाल देते हैं क्लब में एस को क्योंकि सेट तो हमारे पास ऑलरेडी रेंज हो चुका है। सो अगर फ्यूचर में हमारे पास किंग या फिर स्पेस में 10 आता है तो हमारी सीक्वेंस रेंज हो जाएगी ना, सो हम एस को निकाल देते हैं। लेकिन भाई ये बंदा जो है एस को पिक कर लेता है। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बंदा डिक्लेयर करेगा, लेकिन भाई डिक्लेयर नहीं हुआ। चलो बढ़िया है, हमें गाइस अब डिक्लेयर करने के लिए ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए बस, गलती से प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाए बस। लेकिन भाई मुझे नहीं लग रहा कि बंदा प्योर सिक्वेंस रेंज करेगा। लेकिन फाइनली गाइस ये बंदा 9 डिस्कार्ड कर देता है और इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। तो अब मैं जो है ना 3 को तो नहीं निकालने वाला गाइस, क्योंकि ये बंदा जो है सेट रेंज करके डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि अगर इस बंदे ने अगेन ओपन ऐसे कार्ड पिक किया ना तो भाई डिक्लेयर हो सकता है। सो मैं भाई अपनी सीक्वेंस ब्रेक कर देता हूँ, सो जे को डिस्कार्ड कर ही देते हैं। मैं मानता हूँ कि गाइस हमारी जो है 4th कार्ड की सीक्वेंस ब्रेक हो चुकी है। लेकिन ये भी देखो ना कि अगर इस बंदे डिक्लेयर किया तो भाई हम इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे, जो कि हम होना नहीं चाहते। ओके सो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास कार्ड में 4 आ गया तो हम 3 डिस्कार्ड कर देंगे, उसके बाद हमारे ओनली 2 पॉइंट ही लगेंगे अगर बंदे डिक्लेयर किया तो। ओके सो इस वजह से मैंने 6 को डिस्कार्ड किया था। काफ़ी बंदे हो सकता है 3 निकाल सकते थे, लेकिन भाई हम रिस्क नहीं लेते। एंड गाइस देखो 10 इस बंदे ने निकाला सीरियसली भाई। ओके भाई बंदे ने क्वीन निकाला, कोई नहीं क्लोडे से गाइस कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्या पता जोकर ही आ जाए भाई। लेकिन भाई यहाँ पे तो इनवैलिड कार्ड 8 आता है, सो रख लेते हैं इसे। एंड अब हम निकाल देते हैं स्पेस में क्वीन को क्योंकि बंदे ने जे पिक नहीं किया था, तो आई थिंक क्वीन पिक नहीं करेगा। और ऐसे ही तो ये बंदा पिक नहीं करता भाई। मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक गलती हमने की ना तो ये बंदा डिक्लेयर जरूर कर सकता है। ओके गाइस एंड गाइस देखो यहाँ पे काफ़ी टर्न हो चुकी हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि डिक्लेयर होने ही वाला है। ओके भाई बंदा अभी जो है डीलर ये हाई कार्ड निकाल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हुई। ओके भाई बंदे ने 5 निकाला, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। जबर भाई जोकर दे दो। ओके वाह क्या बात है गाइस, और हमारे पास जोकर आ चुका है, सो मैं 8 को डिस्कार्ड कर देता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा पिक ना कर ले, चलो बढ़िया बंदे ने पिक नहीं किया। सो फाइनली गाइस अब बंदा डिक्लेयर भी करेगा ना तो हम जो एलिमिनेट नहीं होने वाले, क्योंकि हमारे 98 पॉइंट हो चुके हैं और बंदा देखो फाइनली डिक्लेयर भी कर देता है सीरियसली। एंड गाइस देखो डीलर तो डैट एलिमिनेट हो चुका है,
और राइट प्लेयर जो है ये बंदा ओनली 10 पॉइंट से लॉस हुआ है। क्या बात है भाई, एलिमेट तो बंदा होने का नाम ले रहे रे भाई साहब। उस बंदे के दे सकते हो 62 पॉइंट लगे हैं, 75 पॉइंट बंदे के, देख रहे हो बंदे कितना खतरनाक प्ले कर रहे हैं। अब 2v1 है, सो हो सकता है कि इस बार भाई हमारे पास अच्छे कार्ड आए। ओके भाई, हमारे पास प्योर सिक्वेंस है एंड वन जोकर है भाई, अच्छे कार्ड तो हैं लेकिन बंदे भाई प्ले करेंगे जहाँ पे गाइज। हमें गाइज डिक्लेयर करने के लिए देख सकते हो ओनली 3 वैलिड कार्ड चाहिए। वैसे हमारे पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वैलिड एंड हाई कार्ड हैं तो सो कार्ड अरेंज हो पाए, लेकिन भाई ये बंदे देखो ओपन से कार्ड पिक कर लेते हैं। ओके बंदे ने क्यों निकला, चलो इसी के साथ हमारी एक और सीक्वेंस अरेंज हो चुकी है। सो डायमंड में इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब ऐसे बंदा पिक भी कर सकता है, ace 2 3 के साथ सीक्वेंस अरेंज हो सकती है, लेकिन ये बंदा पिक नहीं करता। बस गलती से बंदा जो है अब एस के अकॉर्डिंग जो है स्पेस में किंग निकाल देना तो भाई एक हमारी और सीक्वेंस अरेंज हो जाएगी, लेकिन भाई ये बंदा तो अगेन ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लेता है। आई थिंक डिक्लेयर ही करेगा ये बंदा मुझे लग रहा है। ओके भाई 8 निकाला बंदे ने, कोई नहीं हम भी क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्या पता जोकर ही आ जाए भाई। यहाँ पे इनवैलिड कार्ड 3 आया सो रख लेते हैं। एंड गाइज अब हम निकाल देते हैं डायमंड में 6 को, क्योंकि अगर बंदा फॉलो करेगा तो डायमंड 5 डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन भाई ये बंदा जो है 6 को ही पिक कर लेता है और जो बंदा 7 निकाला है, और ये बंदा 7 को पिक करता है और इसी के साथ डिक्लेयर। ओके भाई अभी तो नहीं हुआ। एंड गाइज देखो हमारे पास 10 आ चुका है, सो अब हम निकाल देते हैं क्लब में 3 को। ओके बंदे ने पिक नहीं किया। सो फाइनली गाइज डिक्लेयर करने के लिए हमको चाहिए ओनली सिंगल कार्ड, और इस मोमेंट पे आके ना मुझे भाई बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये बंदा जो ओपन ऐसे कार्ड पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। अगर भाई एक कार्ड और आ जाता ना तो शायद भाई हम इस बैड को सर्वाइव कर सकते थे। खैर गाइज हमारा बैड लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइज ने